नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को iOS 14.3 का अपडेट आप लोगों को दिखाने वाला हूं और इसमें क्या कुछ नया मिला है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस अपडेट को करने में कितना टाइम लगा, ये अपडेट कितने MB का है, iPhone 6s में इसमें क्या क्या नए फीचर्स मिले, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। सो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर मेरे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आईफोन 6s से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूं। इसी के साथ ही साथ अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा यूज़र आई डी है dpk397। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये अपडेट कितने MB का, इसको करने में कितना टाइम लगता है और इसमें क्या खास नए फीचर्स हैं। तो चलिए चलते हैं आईफोन 6s की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे हो मेरे पास है आईफोन 6s और इसमें आ गया है अपडेट अपने iOS 14.3 का। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइज, मुझे लग रहा है कि ये लास्ट अपडेट होगा। ये अपडेट है 510 MB का। iOS 14.3 इंक्लूड सपोर्ट फॉर Apple फिटनेस प्लस एंड AirPods Max, दिस रिलीज आल्सो, जो सो सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। मैं इसको जो है डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे कर देता हूँ, देखता हूँ कितनी देर में ये अपडेट होता है। टाइम आप लोग देख लीजिए, 11:45 हो गए हैं। किसी अच्छे वाईफाई से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ तो यहाँ पे मैं अभी पासवर्ड डाल के इसको फटाफट से अपडेट कर देता हूँ और मिलते हैं, देखते हैं कितनी देर बाद ही अपडेट हो जाता है, कितना टाइम लगता है और इसमें क्या क्या नई सारी चीज़ें आती हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहता रहता हूँ कि आप हमेशा किसी अच्छे वाईफाई पे अपने आईफोन को अपडेट करिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी अपडेट हो जाएगा और देखते हैं क्या क्या नया मिलता है। अपडेट होने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और जो खास चीज़ है वो दिखा दूं, इसका जो स्टोरेज है वो कितना खाली है यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ और बाद में मत कहिएगा आप लोग कि जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मॉडर्न फायरवेयर वगैरह। और यहाँ पे अवेलेबल स्पेस जो है वो है हमारा 10.43 GB और देखते हैं कि बाद में ये कितना बचता है। ये याद रखना, मेरा जो अवेलेबल स्पेस है वो 10.43 GB है और अपडेट होने के बाद देखता हूँ कि जो है वो कितना बचता है, बढ़ता है या घटता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो वीडियो पूरी दिखेगा और वीडियो यार पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं थोड़ा आगे। टाइम 11:46 हो चुका है। सो फ्रेंड्स, फाइनली है अब जो है इंस्टॉल हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 41% बैटरी ख़त्म हो चुकी है, बची है दोस्तों, और 12:56 हो रहे करीब दोस्तों, 1 घंटा हो गया है। अभी यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा क्योंकि गाइज फ़ोन को जो है पहली बार ऑन कर रहा हूँ अपडेट के बाद, इसलिए जो है मांग रहा है। अब ऑन होते ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फेस टाइम एंड आई मैसेज ये होता है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसका जो स्टोरेज था वो 10.43 था आई थिंक जो है इसका अवेलेबल स्पेस, और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि इसका जो स्पेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक बढ़ा है, 10.41 GB है जो कि अवेलेबल स्पेस थोड़ा जो है बढ़ गया है। अब बात करते हैं इसमें नया क्या मिला है उस पर हम बात करें। तो यहाँ पे काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं लेकिन मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो हम बात करें। इसमें जो रिमाइंडर होता है दोस्तों, आप अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पे कभी कभी कीबोर्ड जो है गायब हो जाता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। यहाँ पे आप कुछ भी जो है नया रिमाइंडर लगा सकते हो, एडजस्ट लिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है कीबोर्ड है ये प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गई है। दूसरी बात दोस्तों, आई मैसेज में हम MMS प्रॉब्लम हो रही थी, कभी सेंड नहीं कर पा रहे थे, और आई मैसेज में दोस्तों आई कॉन्टैक्ट जो ग्रुप होता है वो बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम इसमें जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब बात करते हैं सबसे मेन जो है डिफरेंस की, वो है इसको कैमरा को लेकर के। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आप जब जाएंगे कैमरा में, यहाँ पे आईफोन 6s हो या फिर आपके पास कोई भी आईफोन हो जिसमें भी iOS 14 का अपडेट था उसमें ये अच्छी चीज़ आई है। और अगर आपके पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जब जाओगे आप कैमरा में यहाँ पे आपको जो है मिरर फ्रंट जो है फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ये जो बहुत अच्छी बात है। दूसरी दोस्तों बात है, रिकॉर्ड वीडियो में जब जाओगे आप तो यहाँ पर भी आपको जो है शो पाल फॉर्मेट्स मिल जाएगा यहाँ पे। जब इसको आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आप 4K at 25 FPS में जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 180 जो है वो भी 25 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा दोस्तों जो है अपडेट है, बहुत अच्छा अपडेट है कैमरा को लेकर के, क्योंकि ये अपडेट अपने इंडिया में काफ़ी यूज़फुल रहेगा जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे ये अपडेट बहुत अच्छा लगा है दोस्तों कैमरा का। यहाँ से अब जो है आप जो है 25 FPS में भी जो वीडियो है आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये अपडेट आप जो है कैमरा में सेटिंग में जाके आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो और मिरर फ्रंट फोटोज़ जो है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
और अब बात करते हैं गाइस जो है सफारी की, जो कि बहुत बढ़िया ब्राउज़र है। यहाँ पे आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ही नहीं और कई सारे जो है फीचर्स उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है उसने कई चीज़ें जो है सी मोर पे जब आप क्लिक करोगे सी लेस, तो यहाँ पे आप जो है जैसे अभी गूगल पे हम यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ से हम जो है गाइस कई सारी चीज़ें याहू वगैरह वो भी सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों एप्पल की तरफ से। और गाइस जो है मेन मेन चीज़ें हैं वो एप्पल हेल्थ को लेकर के, यहाँ पे आप जो है प्रेगनेंसी वाला सिस्टम जो है लगा दिया है आप, कोई लेडीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आईफोन 12 प्रो मैक्स का है। इसमें जो कैमरा में एक रा जो है रो RAW करके कोई फीचर्स आया है, वो अपने आईफोन 6s के लिए तो है नहीं। बाकी इसकी जो है एयरपोड्स के लिए बढ़िया अपडेट रहेगा ये, तो यही सारे अपडेट्स हैं। और बाकी नेटवर्क जो है इसका सर्विस प्रोवाइडर है काफ़ी बढ़िया रहेगा अपडेट, जो है नेटवर्क इशू जो था वो भी सारे सॉल्व हो गए हैं। सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि यही सारे अपडेट्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बैटरी के ऊपर रिव्यू दे दूंगा आप लोगों को कि iOS 14.3 के बाद जो है इसका बैटरी बैकअप कैसा है, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो गाइज़ जो है मैं 4K और 25 FPS में ये वीडियो भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, क्वालिटी कैसी आप लोग समझ सकते हो। सो यही थी वीडियो, और मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा बैटरी के ऊपर पे कि iOS 14.3 पर बैटरी का बैकअप किस तरह से है, अच्छी बैकअप दे रहा है या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही थी वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि iPhone 6s से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।